Hey guys, कैसे हैं आप लोग। I'm sure कि आप लोग हम बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बेस्ड ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज को है कि हम जो है CCNA के आपने कर रखा है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यानी कि आगे जो है हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, क्या हमें जॉब करनी चाहिए और जॉब करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, या फिर जो है आगे अगर किसी अदर डोमेन्स में जाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या हमें जानकारी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो आपके करियर से रिलेटेड हैं आईटी फील्ड के अंदर, ये सारी डिटेल जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को गाइज एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारे ऐसे मेरे पास कॉल आते हैं कि, या फिर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये पूछते हैं कि सर, हम लोग CCNA तो कर रहे हैं लेकिन इसके बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये हमें नहीं पता होता है। तो बेसिकली किस डेजिग्नेशन के लिए, किस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप बहुत सारी कंपनीज हैं, आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास में आईटी यानी कि नेटवर्किंग फील्ड का कोई भी इंजीनियर के बिना उनका काम चलता, बिकॉज एवरी कंपनी, चाहे वो छोटी है चाहे मीडियम है चाहे बड़ी कंपनीज हैं, राइट, हमारी नेशनल है या फिर इंटरनेशनल यानी कि MNC कंपनीज हैं, सभी के अंदर जो है नेटवर्क इंजीनियर्स वगैरह की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर आज की डेट में बड़े से बड़े नेटवर्क जो है वो डिजाइन करे जाते हैं। लेकिन अगर आप डेजिग्नेशंस की बात करो, चाहे किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करो, तो वहां पर आपके पास जो है, अगर आप नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काफी अच्छा खासा फाउंडेशन लेवल जो है वो आपको मिल जाता है CCNA के अंदर। और उसके बाद जो है, अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए करना चाहते हो, अगर आपने काफी अच्छी प्रैक्टिस करी है और काफी अच्छे से चीजों को समझा है ड्यूरिंग दी CCNA, आपसे आप जो है यहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तौर के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप जो है यहाँ पे आईटी मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब हम आईटी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे आईटी मैनेजर की पोस्ट पे जो आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड नहीं होंगी, उसके अलावा भी आपको जो है बेसिक नॉलेज ऑफ सर्वर्स वगैरह होना चाहिए, बाकी अदर जो हमारे डेस्कटॉप्स वगैरह हैं उनके नॉलेज भी होना चाहिए। बट ऑब्वियसली ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप जो है आईटी मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जॉब के लिए जो हम जो है अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने की कोई बड़ा टास्क नहीं होता है गाइज, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करते क्या हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं हमारे पास, जो पोर्टल्स चलते हैं, हम जनरली उनके ऊपर अप्लाई करते हैं और वहां से हमें जो है रिप्लाई नहीं आता और फिर हम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि आगे शायद इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं कि आपको जो है, अगर आपने CCNA वगैरह करा है तो आपको जॉब अगर चाहिए है तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है और क्या ईमेल करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे आप जो है एक कंपनी के राइट HR तक पहुंच पाएंगे, आपका CV जो है राइट कंपनी तक कैसे पहुंच पाएगा, तो कि आपको जो है वहां से रिप्लाई भी मिल सके। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट कि आपको जो है एक अच्छी, जो भी जॉब चाहते हैं आप उन कंपनीज के अंदर जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल मेरे पास कई बार आता है, वो ये आता है कि सर, हमने जो है बहुत कुछ समय पहले 200-125 या फिर उससे पहले CCNA वगैरह करा है, तो क्या हमें अभी जो है CCNA जो लेटेस्ट सिलेबस है, क्या उसको करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो यहां पर जो है मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आप जो है, अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है और आपने अच्छी प्रैक्टिस करके रखी है, तो आपको जो है ये सिलेबस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको डायरेक्टली बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है बाई करके पूरा जो नॉलेज आपके पास नहीं है उसको आप एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने जो सीखा था उसमें से मैक्सिमम चीजें जो हैं वो अब आप भूल चुके हैं या आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी,
तो इन दैट केस जो है मैं यही रिकमेंड करूंगा। तो इन दैट केस आप जो है सीसीएनए 200 125 सॉरी 200 301 जो है यहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए और आगे अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है और ये तभी बेनिफिशियल है आपके लिए और जब आप वाकई सीरियस हैं अपने करियर को लेके आगे आईटी फील्ड के अंदर बनाने के लिए, तो ही आप यहाँ पे करें। या फिर आपको जो है इस फील्ड में नहीं रहना है तो फिर अपना पैसा इसके अंदर खराब करके कोई भी मतलब नहीं है। अब इसके बाद जो है बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि सीसीएनपी, हमने सीसीएनए तो कंप्लीट कर लिया, अब हम सीसीएनपी करना चाहते हैं, तो सीसीएनपी जो है वो आपको कब करना चाहिए, कहाँ कब नहीं करना चाहिए। तो यहां पर मैं बताऊं आपको, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी में कर लेते हैं, आपने अभी जस्ट सीसीएनए करा और फिर उसके बाद आप सीसीएनपी करते हैं, उसके बाद सीसीआई करना चाहते हैं, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इन तीनों को एक साथ जो है परस्यू कर सके, तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा सीसीएनए कंप्लीट करें, उसके बाद जो है आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो है एक या दो साल के बाद जो है आपके लिए डेफिनेटली आपको जो है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है आपके पास काफी अच्छा नॉलेज गेन हो जाएगा। देन इन दैट केस आप और आगे अपने करियर को आगे एनहेंस करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है आप 2 साल के गैप के बाद आप सीसीएनपी करें, और सीसीएनपी करने के बाद फिर अपना जो करियर है उसको एनहेंस करें, उसमें आगे बढ़े, और उसके बाद जो है आप 1-2 साल के बाद डेफिनेटली फिर सीसीआई करें, सो दैट कि आप जो है अपने करियर के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको सीसीएनए कंप्लीट करने के बाद सीसीएनपी और डायरेक्टली फिर सीसीआई करना जरूरी है। अगर कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं सारे कोर्सेज, तो आप डेफिनेटली करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सीसीएनए के बाद भी करियर की शुरुआत जो है वो की जा सकती है और फिर जो है बहुत आगे तक बढ़ा जा सकता है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से करा है और आप भी जो है इसी तरह से करके अपने करियर में जो है बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमने जो है ये जो नेटवर्किंग का जो हमारा करियर है, जो फील्ड है, इसके अंदर हमें जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अदर कुछ करना चाहते हैं। तो अदर करने के लिए बहुत सारे अदर डोमेन्स हैं जिनके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए सीसीएनए का नॉलेज, यानी कि जो आपका फाउंडेशन लेवल ऑफ नेटवर्किंग का जो नॉलेज है, ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क ऑटोमेशन साइड पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका सीसीएनए कंप्लीट होना चाहिए, सीसीएनए के जो आपका नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें वीएम यानी कि वर्चुअलाइजेशन की, तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन में आगे करियर बनाना चाहते हैं, फॉर उसके लिए भी जो है आपको सीसीएनए तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके लिए भी आपको जो है नेटवर्किंग का अच्छा खासा नॉलेज जो है होना चाहिए, जो कि सीसीएनए लेवल पे जो है आपको मिलता है। इसके बाद अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने चाहते हैं, तो यानी कि आप AWS वगैरह में काम करना चाहते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ में करना चाहते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको जो है नेटवर्किंग का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आप क्लाउड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है काफी आसान हो जाएगा चीजों को समझना। अगर डायरेक्टली जाते हैं तो नो डाउट ऑन दैट पर आप कर पाएंगे, लेकिन वहां पे आपको जो है फिर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से आपको नेटवर्किंग का नॉलेज लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तभी जो चीजों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए सीसीएनए क्लाउड टेक्नोलॉजीज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर डोमेन की अगर एक और डोमेन की अगर हम बात करें, तो यहां पे आता है साइबर सिक्योरिटी। आप में से बहुत लोग जो है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू नेटवर्क फील्ड ओनली, तो यहाँ पे आप बहुत एडवांस यानी कि उसको नेटवर्क को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, और आपने जो डेटा है वहां पे उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे जो है अपने नेटवर्क को, बहुत ही इनडेप्थ जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्टडी होती है। तो वहां तक अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना जरूरी है। और फाइनली अगर आप जो है सीसीएनए करने के बाद आगे नेटवर्किंग फील्ड के अंदर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए जो है यहाँ पे सीसीएनपी है, आप सीसीएनपी प्रोफेशनल लेवल कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़कर सीसीआई लेवल पे एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हैं, जिसमें आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिनके अंदर जो है आपका सीसीएनए का नॉलेज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको जो है जो लोग भी अपना करियर इस फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं,
चाहे वो क्लाउड टेक्नोलॉजी हो, विजुअलाइजेशन हो या वर्चुअलाइजेशन हो, या फिर जो है साइबर सिक्योरिटी हो, या फिर जो है नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी की बात करें, नेटवर्क ऑटोमेशन की बात करें, उनके अंदर अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है ये सीसीएनए कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सीसीएनए जो है वो आपकी आईटी फील्ड का बेसिकली एक ऐसा बेस आज की डेट में बन चुका है, एक ऐसा बेस आपके लिए बन चुका, क्योंकि इसके बिना आप कहीं पर भी, अगर आप हार्डवेयर का कोर्स करने के बाद भी अगर कहीं पे जाते हैं जॉब के लिए, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का ही काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको नेटवर्किंग के अंदर, अगर वहां का किसी भी कंपनी का आप नेटवर्क हैंडल करना चाहते हो, उसके साथ में आपको करना के लिए भी फिर भी आपके लिए नॉलेज जो है सीसीएनए का होना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हर नेटवर्क के अंदर मैनेजेबल डिवाइस लगे हैं, और मैनेजेबल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उनको कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, तो ये सब करने के लिए जो आपके पास सीसीएनए का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ समय तक, पहले की बात करें तो ठीक है, आपने अगर इधर उधर से कहीं पे बेसिक नॉलेज है तो आप अपना करियर बना सकते थे, लेकिन अब जो है आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो चुका है, हम जो है डायरेक्टली ऐसे अपना जो है करियर स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको जो है सीसीएनए यानी कि नेटवर्किंग का जो नॉलेज है वो आपके लिए होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको जो है सीसीएनए करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको पता लग चुकी होंगी। आपके लिए अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप जो है यहाँ पे इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट कि आपके साथ साथ जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उन तक भी ये वीडियो जो है पहुंचाया जा सके। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस आपको बना के दूं, ये लाइक करियर गाइडेंस के दौरान, तो आप जो है मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली लिख के बताएं, तो मैं आपको विदिन कुछ डेज के अंदर ही जो है, विदिन 10 डेज के अंदर ही आपने जो भी टॉपिक्स दिया होगा उसके ऊपर जो है डिटेल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। सो गाइज, आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और साथ ही साथ जो है बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।